मित्रों, आज का दिन एक बहुत विशेष दिन और इस दिन आपके जोशो खरोश को देखना है, सुनना है, नापना है कितना जोश आप में है। भारत माता की, भाई ये आवाज तो टोहाना कस्बे तक भी नहीं गई, हम तो चंडीगढ़ की और दिल्ली की बात करते हैं। भारत माता की, पीछे वाले कोने में या तो मेरी आवाज नहीं सुन रही या फिर वो लापरवाह होके बैठे हैं। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा नाम जिनकी याद आते ही उनके विचारों के बारे में जैसा हम सोचते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जयंती के दिन पर आज के इस मिलन समारोह के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान मेरे साथी हरियाणा सरकार में उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी, हमारे जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री निशान सिंह जी और आज के इस सभा के संयोजक मिलन समारोह जिनके आयोजना से कई वर्षों से ये कार्यक्रम चल रहा है। सरकार में मेरे साथ ग्रामीण विकास मंत्री, यहां के विधायक भाई श्री देवेंद्र बबली जी, हमारी इसी क्षेत्र की सांसद बहन सुनीता दुग्गल जी और इस जिले से दोनों अन्य हमारे विधायक फतेहाबाद से श्री दुड़ाराम जी, रतिया से श्री लक्ष्मण नापा जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री बलदेव ग्रोहा जी, जिलाध्यक्ष जननायक जनता पार्टी श्री सुरेंद्र लेगा जी, नाम मेरे पास बहुत लंबी सूची है, उपस्थित मंच पर विराजमान सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, सभा में उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, कलाकार एवं पत्रकार छायाकार बंधुओं, आज का ये दिन जैसा बताया मिलन समारोह, एक बहुत ही सुंदर ये नाम दिया गया है और विशेष तौर पर इसको शायद पहली बार 23 जनवरी का जो दिन इसके लिए तय किया, इससे पहले पहली जनवरी को होता था। एक पंथ काज नेताजी सुभाष चंद्र के बारे में जैसा मैंने बताया, देश की आजादी में बहुत महापुरुषों का योगदान रहा है, कोई नरम दल से, कोई गरम दल से, क्योंकि अंग्रेजों को भगाने के लिए सबकी बहुत बड़ी जरूरत थी। अंग्रेज अपने आप में कहा करते थे कि अंग्रेजी साम्राज्य में सूरज कभी छुपेगा नहीं, अर्थात दुनिया के ऐसे कई देशों में उनका राज हो गया था कि सूरज पूर्व में निकलेगा तब भी किसी ब्रिटिश साम्राज्य में चमकेगा, दोपहर को भी चमकेगा, शाम को भी चमकेगा, अर्थात जहां शाम को चमकेगा वहां दिन होता है, जहां आज रात है फिर उस समय में जब चमकेगा उस समय दिन होता है, पृथ्वी गोल है, तो इस नाते से कहीं ना कहीं सूर्य अंग्रेजी साम्राज्य में चमकता था। लेकिन उस अंग्रेजी साम्राज्य को भारत से उखाड़ने के लिए चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे महात्मा गांधी हो, उससे पहले कितने नाम लिए जा सकते हैं, लोकमान्य तिलक का नाम ले सकते हैं, लाला लाजपत राय का नाम ले सकते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम ले सकते हैं, अलग अलग तरीकों से सबने अपने काम किए। तो मैं तो यही कहूंगा कि नेताजी ने जब INA के नाम से जब आर्मी बनाई थी
उस समय हरियाणा का भी बहुत बड़ा योगदान था उसमें, हजारों की संख्या में नेताजी की सेना में यहां लोग थे, भर्ती हुए थे। ये ठीक बात है कि आज अधिकांश स्वर्गवासी हो गए हैं, क्योंकि 1942 में ये आर्मी बनाई गई थी, आज ठीक उसके 81 साल हो गए हैं। अगर उस समय 20 साल का भी वो भर्ती हुआ होगा तो आज उसकी आयु 101 साल की होगी। कुछ बंधु आज हरियाणा में हैं, जीवित हैं, मैं उनको भी सम्मान करना चाहता हूं। सामान्यतया 26 जनवरी पर ऐसे सब बंधुओं को हम सम्मानित भी करते हैं। तो इस प्रकार से उनका जो योगदान रहा देश की आजादी में अविस्मरणीय है। बंधुओं, ये ठीक है कि आजादी उनके सबके प्रयत्नों से मिली 1947 में, लेकिन 47 में ही एक विचार कुछ महापुरुषों के दिमाग में यह भी आने लगा कि इस आजादी को बरकरार रखना ये आजाद भारत के नागरिकों का काम है। आजादी मिलने के बाद भी बहुत देश आगे बढ़ जाते हैं और बहुत देश बहुत उनकी हालत खराब भी हो जाती है, लेकिन इस देश के जितने भी पुरोधा आजादी के बाद के भी हैं, उन्होंने अपने देश को आगे बढ़ाया है और आज चीजें अपने हाथ में हैं। तो मैं कहा करता हूं कि उस समय देश के लिए मरने की आवश्यकता थी, लेकिन आज देश के लिए जीने की आवश्यकता है। मित्रों, जीने की आवश्यकता है। तो उस नाते से आज हमारे जिम्मे भी पिछले कई वर्षों से इस प्रदेश की बागडोर संभालने का मौका मिला है। हमने भरपूर वो काम जो पीछे सरकारें नहीं कर पाई थी, जो अधूरे छोड़े थे, उन सब कामों को हमने हल करने की कोशिश की है। चाहे वो विकास के काम हो, चाहे वो सामाजिक जीवन के स्तर को ऊंचा करने की बात हो, चाहे लोगों के आर्थिक स्तर को ऊंचा करने की बात हो, चाहे रोजगार देने की बात हो, चाहे इस प्रदेश के लोगों को प्रदेश के प्रति सोचने का जो एक गौरव उत्पन्न होना चाहिए कि मेरा हरियाणा गौरवशाली हरियाणा, मेरे मन में हरियाणा वासी होने का भाव ये जागृत हो, तो आपको याद होगा हमने एक नारा दिया था, हरियाणा एक हरियाणवी एक। हरियाणा एक हरियाणवी एक का अर्थ यही था कि हम सब हरियाणवी बन के सोचें, अपने प्रदेश के साथ जुड़ करके रहें। तो हमने कितने उसमें काम किए। अब जैसा विचार आया पंचायती राज का, पंचायती राज व्यवस्थाएं पहले भी थी, लेकिन हमने आने के बाद कई परिवर्तन किए उसमें, और बड़ा परिवर्तन उसमें आपको ध्यान में है, ये पंचायतें पढ़ी लिखी होनी चाहिए। एक नियम कानून बनाया, उस कानून को लोगों ने चैलेंज किया, विपक्षी लोगों ने उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए, आखिर वो हाई कोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 45 दिन की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हरियाणा का ये कानून बेहतर है, न केवल हरियाणा बल्कि दूसरे प्रदेशों को भी इसको लागू करना चाहिए। आखिर सरपंच, पंच, जिला परिषद, पंचायत समिति या नगर पालिका या नगर परिषद, उनमें पढ़े लिखे लोग होंगे तो विचार कर सकेंगे अपने समाज के बारे में, अपनी जनता के बारे में, वहां के विकास के बारे में। वरना पहले के समय में अधिकारी ने, कर्मचारी ने कोई गड़बड़ कर दी और लगवा लिया अंगूठा हमारा, और जब बाद में उसके केस बनते फिरे, कहीं विजिलेंस की जांच हो गई, कहीं पुलिस की जांच हो गई, विभाग की जांच हो गई, और हमारा जनप्रतिनिधि कहता था मुझे तो पता ही नहीं जी, मैं तो पढ़ता जानता नहीं, इन्होंने कहा मैंने अंगूठा लगा दिया, अब मुझे क्या पता इसमें क्या लिखा। सैकड़ों हजारों हमारे जनप्रतिनिधि इस चक्कर में फंसे रहे। आज कोई नहीं फंसता है, आज सबको पता है। तो इस नाते से वो सारे काम हमने किए, और उसमें भी हमारी पंचायतें किस प्रकार से अपना काम अपने आप करें, क्योंकि एक पंचायती राज का थर्ड टीयर सिस्टम जिसको कहते हैं, एक तीसरी प्रकार की सरकार है। पहली सेंट्रल की केंद्र सरकार, दूसरी प्रदेश की सरकार, और तीसरी हमारी जो स्थानीय निकाय की सरकारें हैं, पंचायतें, जिला परिषद, पंचायत समितियां, ये फुल फ्लेज्ड अपने आप में एक प्रकार से पूरी अधिकार रखने वाली सरकार। पिछली सरकारों ने अधिकार नहीं दिए इन पंचायतों को, हमने आने के बाद सरकारों को पंचायतें दी, सरकार पंचायतों को अधिकार दिए, इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई और कहा कि आपके अधिकार सुरक्षित, जो पैसा आपका है वो आपके पास जाएगा, जैसा चाहो खर्च करो, जैसा चाहो खर्च करो। और उसमें निश्चित किसी को 20 लाख छोटा गांव है, बड़ा लाख गांव है, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, बड़े बड़े गांव भी हैं,
30 30 40 40 हजार की आबादी के हैं, 30 40 हजार की अगर आबादी होगी उसको 7-8 करोड़ रुपया भी मिलता है। तो ये गांव अपने आप अपना प्रस्ताव पारित करें और अपने काम अपने आप कराएं, क्या कराना क्या नहीं कराना ये कराएं। पारदर्शिता लाने के लिए एक डिमांड थी सब तरफ से, बल्कि केंद्र सरकार की ओर से निर्देश था कि केंद्र सरकार पैसा तभी भेजेगी जब पारदर्शी तरीके से काम होगा, ये आने वाली शिकायतें नहीं आनी चाहिए। तो हमने उसमें पारदर्शिता का पैमाना लागू किया, आज खुश है जनता, सब खुश है क्योंकि हमने सारे अधिकार दिए। अब आपकी फाइल कोई दिल्ली की तरफ मुंह नहीं करेगी, ना डायरेक्टर के पास जाएगी ना सेक्रेटरी के पास जाएगी, आपके यहीं के चाहे सरपंच है चाहे ब्लॉक समिति का चेयरमैन है चाहे जिला परिषद का चेयरमैन है, प्रस्ताव पारित करने के बाद वो अपने आप उसका प्रपोजल बनाएंगे और फिर जो यहाँ के चाहे वो जेई है चाहे वो एक्शन है चाहे एसडीओ है चाहे सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है, बड़े से बड़ा काम 2-2.5 करोड़ से भी ऊपर होगा तब जाकर के चीफ इंजीनियर उसको हाथ लगाएगा वरना नहीं लगाएगा। आप ही ने पैसा देना है, काम को जांच लो, ठीक है तो दो, नहीं है तो काम करने वाले को पकड़ लो कि भैया ये काम ठीक नहीं है। और आपके सहयोग के लिए, सरपंचों के सहयोग के लिए हमने ये भी कहा है कि गांव के कुछ और बुजुर्ग लोग, कुछ रिटायर्ड लोग, रिटायर्ड अध्यापक है कोई, इंजीनियर है कोई, एक्स सर्विसमैन है, उनका सहयोग ले लो ताकि वो सब मिल करके गांव की, जैसा कहा हमारे दुष्यंत चौटाला जी ने कि हम काम कर देते हैं, काम करने के बाद उसकी संभाल करने का काम ये सब आपका है। मित्रों हम 6200 गांव हैं, 2000 वार्ड हैं, ऐसे 8000 इकाइयां चंडीगढ़ बैठ करके हम उनको नहीं देख सकते, पैसा दे सकते हैं लेकिन 8000 इकाइयों में काम ठीक हो, चाहे गली नाली का हो और चाहे बड़े से बड़ा कोई भवन खड़ा करना हो, कोई सड़क बनानी हो, सब काम आपके हवाले हैं, आप जैसा करेंगे वैसा हम करेंगे। हमने गांव में आपकी सरकार को चलाने के लिए ग्राम सचिवालय दिया, हर गांव में ग्राम सचिवालय होना चाहिए, वहां आपकी सरकार बैठे, पटवारी बैठे, ग्राम सचिव बैठे, सरपंच बैठे और वहीं पर कोई ना कोई एक, ये जो हमने अटल सेवा केंद्र सीएससी केंद्र बनाए हैं कंप्यूटर लेके, वो भी वहीं बैठे, कोई शिकायत केंद्र होना तो वहीं आ जाए, सरकार का अधिकारी कोई कर्मचारी जाए तो वहीं जाए। ये आपका जैसे दिल्ली जैसे चंडीगढ़ में सचिवालय है, केंद्रीय सचिवालय दिल्ली में है, ऐसे जिलों में भी जिला सचिवालय है, ऐसे गांव में भी गांव का सचिवालय सेक्रेटरिएट, इस सेक्रेटरिएट को भी हमने आबाद करना है। एक सरकार जैसे फुल फ्लेज्ड गवर्नमेंट ये चलनी चाहिए, ऐसा हम प्रबंध कर रहे हैं। इसमें धीरे धीरे कुछ और भी आगे बढ़ना होगा, अधिकार बढ़ाने होंगे, पैसा बढ़ाना होगा, जैसी डिमांड आएगी वैसा वैसा बढ़ाते रहेंगे, कोई कमी पैसे के नहीं है। हरियाणा सरकार के पास 1,77,000 करोड़ का बजट था पिछली बार, अब इस बार हो सकता और बढ़े, बढ़ता ही हर साल बढ़ता है, संयोग से मेरे पास वित्त मंत्री का भी दायित्व है, इसलिए उस नाते से मैं आगे बढ़ते हैं। सुहाना की प्रगति रैली आप देख रहे हैं, सीएम मनोहर लाल मंच संबोधित करते हुए सीएम मनोहर लाल ने सरकार की उपलब्धियां जन जन के समक्ष रखी के साथ ही साथ सीएम मनोहर लाल की तरफ से एक बड़ी बात यह भी कही गई है कि हमने पढ़ी लिखी पंचायतें प्रदेश को दी है, पढ़ी लिखी पंचायतें विकास के लिए अग्रणी भूमिका निभाएंगे। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए सरकार के पास बजट की कोई कमी नहीं है, प्रदेश की प्रगति के लिए सरकार के पास बजट की कोई कमी नहीं है। तो डोहाना से प्रगति रैली की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीएम मनोहर लाल ने मंच से संबोधित किया, तो हरियाणा में पारदर्शी सरकार के सीएम मनोहर लाल की तरफ से कहा गया और साथ ही साथ सीएम मनोहर लाल ने जिक्र किया कि किस तरह से सरकार उन योजनाओं पर काम कर रही है जो प्रदेश की प्रगति के लिए बेहद जरूरी है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी सरकार की उपलब्धियों को जन जन के समक्ष रखा है। टोहाना से प्रगति रैली जिसमें सीएम मनोहर लाल पहुंचे हैं, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के, सांसद सुनीता दुग्गल मौजूद है, देवेंद्र बबली ने भी मंच से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 15 साल से हम बस स्टैंड की मांग कर रहे थे और अब बस स्टैंड बनकर तैयार हो गया है, आम जनता को सरकार की ये बड़ी सौगात है। देवेंद्र बबली ने कहा कि सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश लगातार प्रगति कर रहा है। टोहाना में प्रगति रैली का आयोजन किया गया और प्रगति रैली में सीएम मनोहर लाल, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, सांसद सुनीता दुग्गल और कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली खासतौर से मौजूद रहे।
नरेंद्र बबली ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि टोहाना का विकास उनकी प्राथमिकता है। टोहाना के विकास के लिए सरकार ने कई प्रस्तावों को मंजूर किया है।